मोहम्मद आजम साहब, ये देखने का नजरिया है, आपको दिख रहा है कि वहां सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन सब तस्वीर ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, जरूरत अपने गठबंधन पर आपको देखने की है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी आपने। पूजा जी, हमारे और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और कांग्रेस ने सहमति से ये कहा है कि नहीं ठीक है, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, ये आपसी सहमति से तय हुआ है। कांग्रेस के किसी भी नेता का अगर कहीं कोई एडवर्स बयान हो तो एस एन सिंह साहब बताए कहा कांग्रेस के इस नेता का बयान है जो ये कह रहा है। जब फूलपुर से ही आपके फैसला हुआ है, फूलपुर से कांग्रेस नेता ने भी नामांकन दायर कर दिया, करने वाले हैं, कल ही ये फैसला हुआ, कल उनके प्रभारी ने ये घोषणा करी है। अब वो कांग्रेस तय करेगी कि वो उसका क्या करना है। बिल्कुल यकीनन अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो वो पार्टी से निकाला जाएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। और एसएन सिंह साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पिछले 10 सालों में बेरोजगारी चरम पर है पूजा जी, महंगाई चरम पर है और आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के साथ साथ जितने भी रिसर्चर हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, सभी ये कह रहे हैं। आखिर ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ने भी तो ये कहा कि भारत भुखमरी में उसकी क्यों बढ़ती जा रही है। आखिर 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन तो पांचवी अर्थव्यवस्था को क्यों देना पड़ रहा है, इसका जवाब भाजपा को ही तो देना पड़ेगा। आखिर किसान परेशान क्यों है, 10 सालों में लाखों से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं ये एनसीआरबी का डाटा कहता है, ये जवाब भाजपा ही देगी ना। और कानून व्यवस्था के जो चौपट हाल है, लूट से लेकर बलात्कार और दंगा, ये उत्तर प्रदेश पिछले 4 महीनों में देख रहा है, इसका जवाब भी भाजपा को ही उपचुनाव में देना पड़ेगा। तो भाजपा और बीएचयू आईटी रेप कांड के जो अभियुक्त है उनको जमानत मिलती है तो उनको केक और माला पहनाते हैं, बिल्किस बानो के अपराधियों बलात्कारियों को छोड़ते हैं लड्डू और माला पहनाते हैं। तो कहिए भारत की जनता देख नहीं रही है कि भाजपा देश को कहां ले जाना चाहती है और नैतिकता के साथ साथ नफरत और सांप्रदायिकता। भाजपा तो कहते हैं कि कांड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, कभी कभार हो जाता है, हर बार नहीं होता। लोकसभा चुनाव में आपने अच्छा मैंडेट दिया पूजा जी, मैं यही कह रहा हूँ, जनता इसे महंगाई का जवाब मांगेगी तो क्या कहेंगे, ये बेरोजगारी का जवाब युवा मांग रहा, लोकसभा में जो बेरोजगारी थी कौन सी नियुक्ति उन्होंने कर दी, ये बताया कि हाँ 4 महीने में हमने ये बड़ी बड़ी नियुक्तियां कर दी, कोई नियुक्ति नहीं हुई है। और किसान उसी तरह से परेशान है, चाहे छुट्टा पशुओं की समस्या हो, चाहे खाद की समस्या हो, बीज की समस्या हो, उसके एमएसपी की गारंटी की समस्या, सारी परेशानियां वहीं खड़ी है। इसलिए ये सेन सिंह साहब को मुगालता हो गया है कि हरियाणा फर्जी ढंग से जब जीत लेते हैं उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा गेम उन्होंने वो कर लिया है, जीत लिया है। यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है इनके, लेकिन मायावती भी मैदान में है, नुकसान नहीं पहुंचेगा आपको, आपके पीडीएफ फॉर्मूले पर ही वो भी अपना निर्भर पा रही है पूरी सोशल इंजीनियरिंग के साथ।